तो दोस्त बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप हमें इंटरव्यू देना चाह रहे हैं जो बच्चों के लिए, क्यों आने वाले जो भी बच्चे आपके जो देखेंगे मतलब क्या प्रॉब्लम आई क्या आप। ये देखो भाई अपने हमारे दिल्ली क्वालिफाई करके आए हैं भाई साहब, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई कि आपने क्वालिफाई किया। तो दोस्तों उसी के लिए आप बताइए कि बच्चों के लिए पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा किसलाल वर्मा सीकर से। अच्छा भाई सीकर से राजस्थान। हाँ, तो देखो भाई आज तक जो बच्चे देखे हैं जो मैंने राजस्थान के बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल मार्क आ रहे हैं ये। जी जी भैया बताइए, अब आपने जो यहाँ पे एंट्री करी, एंट्री करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स, एंट्री करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है कि भाई कोई किसी के पास फोन तो नहीं है। फोन जाने के बाद आगे गए और वहाँ से चेस्ट नंबर दे दिए लाइन में बैठा के। चेस्ट नंबर देने के बाद में 50-50 का बेस बनाने लगे, फिर बेस बना के चेस्ट नंबर देने के बाद बेस बना दिया, फिर दौड़ाने लगे। फिर जैसे दौड़ कंप्लीट हुई लगभग 10-20 मिनट का आराम से टाइम मिलता है, फिर जैसे सब मंजूर हो जाते भाई आप क्लियर है तो हम भी। तो रनिंग ग्राउंड कौन सा था आपका? ग्राउंड नंबर 6 था। ग्राउंड नंबर 6 तो उस पे बता रहे हैं कि उस पे गोखरू वगैरह है, नंगे पैर का जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा सुबह जो 1-3 बेस रहता ना उनके लिए तो फायदा है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। मिट्टी गिली कर देते हैं रात को, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, लेकिन नंगे पैर वैसे कोई दौड़ नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, सब जूते पहन के दौड़ रहे थे। तो आपका टाइम कितना आया? मेरा टाइम आया 5:55। 5:55 बहुत बढ़िया भाई। और लॉन्ग जम्प के लिए क्या प्रोसीजिंग थी? लॉन्ग जम्प के लिए वैसे दौड़ के बाद लॉन्ग जम्प ही था। अच्छा, ज्यादा तकलीफ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी रह रहे थे मुश्किल से 1-2 लड़के रहे थे बीच में। तो तुम्हारा कितना मारा आपने? कितना मारा? लगभग कंप्लीट था पहले राउंड में। अच्छा पहले राउंड में कंप्लीट था। हाई जंप। और जो आपके जो मतलब बच्चों को कितने क्वालिफाई हुआ आपके बैच में, कितने थे बच्चे दौड़े? 18 थे जिन्होंने 18 ने दौड़ पास कर ली। अच्छा, फिर एक लॉन्ग जम्प भी रह गया उसके पैर में। 17 थे। कितने का बैच दौड़ा था आपका? 50 का था। 50 का बैच दौड़ा था और उसको टांग में दिक्कत थी, मतलब उसके इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गया। हाँ। और हाइट वगैरह में कोई हाइट में प्रॉब्लम थी, दो बच्चों को निकाल दिया। अच्छा, था दो बच्चों को निकाल। हाँ। दिया। और सीने में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अच्छा। जिसका जितना भी होना। हाँ। वो एकदम उतना ही बताते, 81 से पीछे। अच्छा, बेहतरीन। तो बिल्कुल तकलीफ, बस हाइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में। हाइट में तो वो भी कुछ कर नहीं सकते। अब जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे वो क्योंकि उसके रनिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम है बच्चे, तो रनिंग के लिए किस क्या स्टेप रहे रनिंग के जो वो आसानी से मार लें? रनिंग के लिए शुरू के 2 राउंड खींचने होते हैं। अच्छा, फिर तीसरे में स्लो पड़ के चौथा वापस खींचो। चौथा पूछा मतलब तीसरे वाले राउंड को थोड़ा स्लो ले गया। हाँ, हमने और फर्स्ट और 2 को तेज, पूरा तेज खींचना, चौथा पूरा खींचना। हाँ, तो आसानी से रनिंग मार सकते हैं आसानी से, लॉन्ग जंप भी आसानी से। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो दौड़ होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसमें हमारे जो 10th 12th है, ग्रेजुएशन है। हाँ। और लाइसेंस वगैरह वो देते हैं, ओरिजिनल और 2 फोटो लेते हैं। ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों, अगर ओरिजिनल ना दिखाओ तो फिर? हाँ, ओरिजिनल जरूरी है, नहीं वो रिमार्क दे देता लास्ट में। अच्छा, रिमार्क दे देते जो भी डॉक्यूमेंट्स वो तो लेके आना है। भाई आपकी कैटेगरी क्या है? एससी। एससी में हो तो यानी कि आपको एससी में हो। कितने मेरे कितने पे लगी थी आपकी मेरिट? 58 नंबर थे मेरे। 58 नंबर थे आपके नंबर? कितने? 58 पॉइंट कुछ। हाँ, वैसे थे हम 51.93। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकल की तैयारी करो क्योंकि मेरिट इतनी बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन देखते हुए बच्चे बहुत कम मतलब क्वालिफाई कर पा रहे हैं फिजिकल को। और दोस्त और कुछ स्पेशल बताना चाहो जो बच्चों के लिए जो और क्या करें मतलब, क्योंकि रनिंग के बहुत प्रॉब्लम है बच्चे रनिंग को लेकर के। प्रॉब्लम है जो। तो किस टाइम तक कंप्लीट हो गई थी रनिंग? लगभग सभी बैच की हो गई थी 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक कंप्लीट कर ली, मतलब टाइम से हो रहा है फिजिकल। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने तो 6 ग्राउंड नंबर में रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आराम से जूते पहन के दौड़ो। अच्छा, तो वो जो लगा रहे था लॉन्ग जंप पे फट्टा लगा रखा था क्या? लगा रखा था, अंदर दिख तो नहीं रहा था लेकिन। अच्छा, फट्टा लगा रखा था, जंप अच्छा आ रहा था। अच्छा, हाँ, क्योंकि फट्टे से अपना आप रंप यानी कि अगर थोड़ा बहुत कम भी आ रहा ना लंबी कूद है उसमें भी यदि टच हो जाता है ना तो क्वालिफाई, लेकिन वो गिर जाती है ना, डिस्क्वालीफाई होता है। यानी जो बच्चे हैं आसानी से कर सकते हैं क्योंकि फट्टे पे जो और लॉन्ग जंप बढ़ सकता है, जो अगर थोड़ा बहुत कम है ना किसी का तो और आसानी से कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। रनिंग रनिंग हो गई ना तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मैची रनिंग है मतलब रनिंग के लिए तैयारी करनी है और कुछ नहीं, तैयारी है बस। पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं मतलब मोटिवेट कर रहे हैं वहाँ पे अंदर। हाँ। तो भाई देखो भाई ने बताया, देखो आप सुन सकते हैं इस तरीके से आप तैयारी करें, चिंता ना करें कि हमारी रनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आप हौसला बना के दौड़ेंगे तो आप कर सकते हैं। अच्छी ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू आपका। ओके, थैंक यू।